आमदार प्रकाश सुर्वे के मार्गदर्शन, प्रदीप नायर और वैष्णवी प्रकाश पुजारी के नेतृत्व में सिग्नल लगा। आमदार प्रकाश सुर्वे जी के मार्गदर्शन में सिग्नल का काम संपन्न हुआ। समाज सेवक प्रदीप नायर और शिवसेना नेत्री वैष्णवी प्रकाश पुजारी के अथक प्रयास से सिग्नल का काम संपन्न हुआ। आज युवा नेता राज सुर्वे और वैष्णवी प्रकाश पुजारी के शुभ हाथों से सिग्नल का उद्घाटन किया गया। सुरक्षा सिग्नल का उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे और कितने दिनों से इसके लिए आप लोग प्रयास? देखिए, ये सबसे प्रथम तो आप प्रसार माध्यम को मैं गुड़ी पड़वा के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सबसे
आप अगर इसका कालावधि पूछोगे तो ये 20-25 साल से ये जो यहाँ के नागरिकों का एक लड़ा चालू था कि ये सिग्नल यहाँ पे बने, और जैसे कि मैंने अभी भाषण में कहा कि जो इतने सालों से किसी ने काम नहीं किया था वो काम करके दिखाने में जो खुशी होती है वो खुशी आसमां भी नहीं समाती, ऐसी खुशी होती है हमें, हमारे लिए। और आज प्रदीप नायर जी, प्रकाश पुजारी साहब के माध्यम से, आमदार प्रकाश दादा सुर्वे के नेतृत्व में आज यहाँ पे आप देखोगे कि इतने सालों की जो तपस्या थी वो आज यहाँ पे फलित हुई है। नागरिकों के लिए हमारे जो ये चार रास्ते का क्रॉसिंग है वहाँ पे आज सिग्नल ऑफिशियली बिठाया गया है। काफ़ी लंबे समय से लोगों का एक्सीडेंट होता था, मैं भी उसका पीड़ित व्यक्ति हूँ और मेरा भी एक्सीडेंट यहीं पे हुआ था। अरे वाह। अभी देखिए, अभी आप खुद पीड़ित व्यक्ति थे, इसके ऊपर से समझिएगा कि आपको भी एक खुशी रहेगी जरूर कि यहाँ पे मैंने बताया कि ज्येष्ठ नागरिक हमारे भारी संख्या में यहाँ पे ज्येष्ठ नागरिक है जो यहाँ से आते जाते रहते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम्स के लिए निकलते हैं, अभी 10वीं 12वीं के एग्जाम चल, और बहुत से महिला से लेकर हर एक नागरिक को ये समस्या थी। जो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो आज यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता हम सभी के लिए। कितने जनमानस को यहाँ फायदा होने वाला है? सर वैसे देखा जाएगा तो आज के तारीख में ये हमारे मुंबई का प्रवेश द्वार है, और इस प्रवेश द्वार में रोज डेली लाखों व्हीकल्स यहाँ से आते जाते रहते हैं, और उसी प्रकार से मुझे लगता है कम से कम 40,000 से 50,000 लोग सिर्फ ये 2 वार्ड 3-4 वार्ड में यहाँ पे रहते, तो उन सभी को इसका लाभ होने वाला है। ऐसे मौके पर यहाँ के लाखों आवासियों के लिए बड़ी सौगात आप लोगों ने दिया, क्या संदेश? ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आने के बाद महाराष्ट्र में बहुत से बदल हो रहे हैं, और यहाँ गोर गरीब के आमदार प्रकाश सूर्य हो, राज सूर्य हमारे हो, ये सभी माध्यम, हम सभी कार्यकर्ता माध्यम से जो लोगों को तकलीफ हो रही थी, जो तकलीफ समस्या छुड़ाने का काम हम लोगों ने चालू किया है। जो सिग्नल होता है उसमें आप पत्रकार लोग का भी हादसा होता था, स्क्रीन होती थी, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बढ़िया सिग्नल का किया है कि लोगों को यहाँ हादसा हुए नहीं, और गुड़ी पड़वा के निमित्त से आप सबको शुभ देता हूँ, और ये नया साल है सबके लिए अच्छा जाए, सुख जाए, समृद्धि जाए, और सभी घर में किसी का दुख हो सब अच्छे से दुखी भूल जाके अच्छे काम हो उनके से। बोलिए, पूछे ना, सवाल ये है कि सिग्नल लग गया है, एक्सीडेंट से लोग बचेंगे, सबको आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग भी पत्र व्यवहार किए बहुत, क्या समझे? देखो सभी ने प्रयत्न किए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयत्न इसके लिए प्रदीप नायर ने किया, इसके लिए उनका पूरे कितनी बार अधिकारी आने वाले समय में उनका योगदान भूलेगा नहीं, और प्रकाश पुजारी माननीय राज सूर्य प्रकाश सूर्य ने अपना योगदान किया, लेकिन जो जमीनी लेवल पर लेटरबाजी है हर विभाग में जाना वो प्रदीप नायर ने किया, उसके लिए कितनी बार अधिकारी उनका युगों तक ऐसा मन रहेगा। और गुड़ी पड़वा के इस मौके पर मैं माननीय प्रकाश पुजारी और प्रदीप नायर का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, प्रदीप नायर के लिए अगर वोट मांगना है कैसे मांगोगे? वो तो आने वाले समय में रहेगा, अगर हमारा गठबंधन रहेगा तो मांगेंगे। ऐसे मित्र सिग्नल का आज आप लोगों ने उद्घाटन किया है, क्या संदेश है, सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण काम किया है? सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमारे प्रभाग क्रमांक 3 मैम ने जो सिग्नल का जो अभी उद्घाटन किया है, हमारे मगाडाने के आमदार प्रकाश सूर्य साहेब जी के मार्गदर्शन से और प्रदीप नायर साहेब जी के प्रयत्नों से, प्रभाग क्रमांक 3 के शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी साहेब, कोर कमेटी सदस्य राज सूर्य साहब, इनके सभी के प्रयत्नों से, और हमारे नागरिक जो थे यहाँ के उनके बहुत इश्यूज थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स हो या फिर दुर्घटना हो ये बहुत लगातार होती रहती थी, क्योंकि कोई भी एक प्रॉपर रीत नहीं थी जैसे रोड क्रॉस किया जाए या फिर लोगों के लिए कुछ हो। तो हमारे जो प्रदीप नायर साहेब है वो बहुत टाइम से, लाइक कई वर्षों से, और हमारे जो नागरिक है ये भी बहुत कई वर्षों से ये प्रयत्न कर रहे थे कि यहाँ पे एक सिग्नल लगाया जाए, बट वो हो नहीं पाया। बट अभी जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब जी आए हैं, तब से हमें पता है कि सभी कामें जो भी है वो उन्होंने सभी कामों ने एक वेग पकड़ा है, और सभी निर्णय जो है वो सभी बहुत फास्ट हो रहे हैं, और इसीलिए जो इतने सालों से नहीं हुआ वो आज यहाँ पे इस प्रभाग में हो रहा है, और इसका फायदा सिर्फ हमारे प्रभाग के लोगों को ही नहीं बट इतर जो नागरिक है उनको भी हो रहा है। लगाने के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे थे, काफी समय से हम लोग भी इस विषय को लेकर बातचीत किए थे कि सिग्नल लगना ही चाहिए, क्योंकि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट की घटना होती थी, क्या प्रयास रहा है, कितने दिनों से आप इसके लिए संघर्ष किए?
इधर सिग्नल के लिए कम से कम मैं खुद 6 साल से पहले, क्योंकि ये रास्ता पूरा MMRDA के पास था, तो हमने MMRDA के साथ में फॉलोअप किया था, लेकिन MMRDA और मेट्रो दोनों ने मदद किया नहीं। और जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे साहब ने MMRDA के हाथ से BMC को हैंडओवर किया, और जिस दिन BMC को हैंडओवर किया उसी दिन BMC वाले ने हमने को परमिशन दिया कि आप ये रास्ता खोद सकते हैं, और वो सिग्नल का परमिशन लेके फिर हम लोग ने 15 दिन के अंदर ये सिग्नल का काम चालू किया और काम हो गया। और जब हमने हमारी मांग थी 2 सिग्नल का, लेकिन BMC के मार्बल 2 सिग्नल ने, क्योंकि 2 सिग्नल हमको पूरा नहीं होगा सेफ्टी पर्पज़ के लिए, उन लोगों ने 11 सिग्नल हम लोग को दिए, 11 पुल, जिसके कारण लोगों को काफ़ी मतलब बहुत उसका फ़ायदा होगा। देखेंगे बहुत मेहनत कर रहे हैं।